हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। ये हमने किस तरह से बना के तैयार किया है, तो चलिए तोरण पट्टी से हम स्टार्टिंग करेंगे। तोरण पट्टी के लिए हम 13 चेन लेंगे, 13 चेन से बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन चेन लेके हम इधर से 6 चेन काउंट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 वाले से इसे जोड़ देंगे। अभी 5 चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर और ये 5, और लास्ट में 3 छोड़ देंगे, वन टू थ्री, और इसको डाल लें 3 वाले पर। जोड़ना है इसे हमें सिंगल क्रोशिये से, इस तरह से। थ्री चेन लेंगे और इस वाले के जोड़ देंगे लास्ट वाले। तो ये देखिए, ये हमारे पास साइडों में, दोनों साइड में 2 होल और एक बीच में बड़ा होल। अब हमें 2 चेन लेनी है, यहाँ हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, और इस वाले में जो सिंगल क्रोशिया बना है इसमें हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। वन टू थ्री फोर, एक चेन क्रोशिया चेंज करेंगे और मोती ले लेंगे। इस मोती को हम इसके नीचे से ले जाएंगे और इस तरह से निकाल के लाएंगे। इसमें से इस तरह से इसे निकाल लेंगे, क्रोशिया चेंज कर लेंगे। इस तरह से ये हमें कंटिन्यू बना लेना है। इस वाले में 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिये से 2 चेन, और इसके बीच में 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर। फाइव चेन, टू थ्री फोर फाइव, और इस वाले में जोड़ लें बीच में। वन टू थ्री, ये जो है
दो चेन लेनी है या वन टू। सेम इस तरह बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें कंटिन्यू बना लेना है। ये तोरण पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। डबल क्रोशे से हम फिनिशिंग कर लेंगे रेड कलर से। तो चलिए अब ये पेटल बनाने बताएंगे। इसकी स्टार्टिंग हमने 14 चेन से करी है, तो 10 चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया और ये 4 चेन हमने इधर छोड़ देनी है स्टार्टिंग वाले में। नेक्स्ट में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, 10 चेन लेनी है। ये हम कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं इधर से उधर से। दस चेन ले लेंगे। देखिए 10 चेन ले लेनी है और एक छोड़ के हम इसे जोड़ देंगे। ये हमने एक छोड़ा है, यहाँ पर जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। इसमें हम 14 या 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे पूरी चेन पर, इसमें काउंट करके। फोर्टीन डबल क्रोशिया हैं, 14 बना लेंगे। ये 3 चेन लेनी है यहाँ पर, 13 और बनेंगे। तो ये देखिए 14 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम इस पे 5-6 सिंगल क्रोशिया के राउंड करेंगे इस तरह से।
छह राउंड करेंगे टोटल सिंगल क्रोशे के यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए ये छह राउंड हमारे हो गए सिंगल क्रोशे के। अब हम ये वाला डिजाइन लगाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट में डाल लेंगे। सारे बराबर बराबर बनाएंगे। इसमें हम दो लेंगे एक जगह ही गहरे बनाने के लिए। टोटल 19 बनाएंगे, काउंट करके भी बना सकते हैं। तो 14 हमारे ये हैं और 5 टाइम हम डबल डाल लेंगे। एक हमने डाल लिया डबल। ये और डबल डाल लेंगे। इसके बाद 3 और डबल डाल लेंगे सेम एक ही जगह। पांच बार हमें एक ही सेम चेन में दो दो बार डालेंगे 5 टाइम। इस तरह हमें ये टोटल 19 बना लें। तो ये देखिए ये 19 हमें बनाने हैं। ये 14 सिंगल क्रोशिया में 19 लूप्स लेने हैं। इसको हम जोड़ देंगे 1 2 3 1 2 3 4। 4 हमने बीच में छोड़ रखे हैं ये वाले हाफ डबल क्रोशिया रेड वाले। तो इसके 1 2 3 4 यहाँ पर हमें जोड़ना है। इसको इस तरह से लग के यहाँ पर जोड़ दें। ये देखिए इस तरह से जोड़ देंगे और इस पर सब पर एक चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से कर इसे लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए फिर एक चेन, फिर ये सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। इस तरह से हमें कंटिन्यू बनाना है। इसको देख के बनाएंगे सीधा इस तरह से।
तो ये देखिए इस तरह से हमें बना लेना है। और इसको हम इसमें देख के, इसमें हमने एक बीच में छोड़ा हुआ है तो एक छोड़ के और इस पर ये वाला छोड़ देंगे, इस पर बांध देंगे। एक चेन, और अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस पर इस तरह से। जितने भी चेन हमने बनाई है उन सब में ये हमें 4 राउंड लेने हैं, या इसका बढ़ा भी सकते हैं, कम ज़्यादा रख सकते हैं। हमने इसमें 2 और 1, ये 3 राउंड ये लिए हैं और एक ये, टोटल 4 राउंड है। तो ये हमारा दूसरा है, इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने सिंगल क्रोशे 1 राउंड पूरे कर लिए हैं। अब हम रेड कलर लगाएंगे इसमें, रेड कलर लगाना शुरू करेंगे यहीं से। पाइप चेन लेंगे, रेड कलर यहाँ पर जोड़ लिया है हमने। थ्री छोड़ के, 1 2 3, ये जो होल हैं छोटे छोटे, फोर्थ में डाल लें। 3 छोड़ देंगे, फोर्थ में डाल लें। 5 चेन लेनी है बीच में, और फिर 1 2 3 छोड़ के फोर्थ में डाल लें। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, 3 4 5, 1 2 3 और फोर्थ। ये बना लेंगे, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, वापिस 5 चेन, और इसके बीच में जोड़ेंगे। इसी तरह से हमें 1 राउंड हमारा हो गया, एक ये और एक, 3 राउंड टोटल हमें करने हैं। 3 4 5, 3 राउंड कर लेंगे सेम ऐसे ही। ये देखिए इसके बीच में जोड़ देना, थ्री राउंड कंप्लीट हो गए। हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा गैप लेके, इतना गैप होना चाहिए, 1 2, 2 चेन, 1 2 3 चेन, और ये 3 शुरू किया था उसमें। फिर 2 चेन, और इसको हम यहाँ जोड़ेंगे, 1 2, 1 2 3, इसमें यहाँ जोड़ देंगे। वन टू, और फिर यहाँ इस पर, इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए रेड वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, इस तरह से बना लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल तोरण डिजाइन तैयार है हमारा। इस तरह से हम इसे बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ये फूल लगा लेंगे। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।